हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसएससी जेई के प्रीवियस पेपर के जीके पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम कुछ पेपर को डिस्कस कर चुके हैं, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देखना, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जीके को तैयार करने का बेस्ट तरीका है प्रीवियस पेपर को सोल्व कर लो। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको सभी प्रीवियस पेपर मिलेंगे, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इन ए पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेज, डिक्रीजेज या फिर रिमेंस द सेम। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इन्फ्लेशन जब होता है यानी कि किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन होता है तब उसके जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू डाउन होती है। जब करेंसी की वैल्यू डाउन होगी तब सेम टाइप के सामान को खरीदने के लिए हमें ज़्यादा मनी देनी पड़ेगी, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि मनी की जो सप्लाई है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल टेलीकॉम सिटी इन द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कि भारत की पहली ग्लोबल टेलीकॉम सिटी ये है बेंगलुरु। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज यूज एज ए मोटो फॉर द सेंसस ऑफ इंडिया इन 2011। यानी कि भारत की जब जनगणना हुई थी 2011 में तब कौन सा वाक्य यूज़ किया गया था। तो ओवर सेंसस एंड ओवर फीचर, यानी ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये वाक्य यूज़ किया गया था, ओवर सेंसस ओवर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रूल ऑफ लॉ, ये जो हैं ये गुड गवर्नेंस के फीचर हैं, जबकि रेड टेबिज़म जो है ये बैड गवर्नेंस का फीचर है। तो रेड टेबिज़म का मतलब क्या होता है, ये ज़्यादा वर्ड यूज़ तब किया जाता है जब सरकारी कार्यों में देरी होती है, तब ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान में अनुसूची है, दूसरी अनुसूची, वो किससे रिलेटेड है। तो उसके अंदर जो ऑफिशियल हैं उनकी सैलरी के बारे में बताया गया है, यानी ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सैलरी ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट से रिलेटेड बातें लिखी गई हैं, और सेकेंड में हमने बात कर ली कि सैलरी के बारे में, और जो थर्ड है उसके उसमें ओथ के बारे में लिखा गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए, शपथ ग्रहण है, जितनी भी राजनेता शपथ लेते हैं वो शपथ जो है वो थर्ड शेड्यूल में लिखी गई हैं। और फोर्थ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा, ये फोर्थ शेड्यूल में लिखा गया है, जबकि एट्थ शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। तो ये लैंग्वेज वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री। तो एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो ये इंग्लैंड से ली गई है, यानी ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द चालुक्य रूलर पुलकेशिन विक्ट्री ओवर हर्षवर्धन वाज इन द ईयर। तो हर्षवर्धन को कब हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने, तो ये हराया था 618 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एक ब्राह्मण हैज़ बीन यूज, यानी कि कौन से राजा के लिए एक ब्राह्मण नाम यूज होता था। तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए यूज होता था। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी था, ये सातवाहन वंश का राजा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी सेलेक्टेड फॉर इंडिविजुअल सत्याग्रह ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो आपको बताना है कि जब व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसके अंदर चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक हिंदी में बोलते हैं कायांतरित चट्टान। तो नीस, फाइलाइट और सिस्ट, ये सभी जो हैं ये मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल हैं, जबकि ग्रेनाइट जो है ये इग्नस रॉक का है, इग्नस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। जब आग्नेय चट्टान मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होती हैं तो ग्रेफाइट किस में बदल जाएगा, ग्रेफाइट नीस में बदल जाएगा, यानी कि ग्रेनाइट जब इग्नस रॉक है तब मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होगी तो ये नीस में बदल जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट सेंट हेलेंस इज एन एक्टिव स्टेटो वोल्केनो लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जो सेंट हेलेंस हैं ये एक एक्टिव वोल्केनो है, ये कौन से देश में है, तो ये है यूएसए में, यानी ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। इन विच इंडियन स्टेट इज़ द नंदा देवी पीक लोकेटेड। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए नंदा देवी पीक जो है ये भारत की सेकेंड हाईएस्ट पीक है,
और इसकी ऊंचाई भी आपको पता होनी चाहिए, यह है 7816 मीटर। तो ये उत्तराखंड में स्थित है, यानी ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच कंट्री। तो आपको बताना है कि भारत सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है, तो ये बांग्लादेश के साथ, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये कितनी साझा करता है, तो ये है 4096 किलोमीटर। तो डिस्टेंस भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द फर्स्ट टू शिफ्ट द जनवरी टू दिसंबर फाइनेंशियल ईयर। तो आपको बताना है कि ऐसा पहला कौन सा राज्य है जिसने अपना वित्त वर्ष जनवरी से दिसंबर शिफ्ट कर लिया है, तो यह है मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। बाकी पूरे देश के अंदर जो हमारा फाइनेंस ईयर है ये अप्रैल से शुरू होकर ये 31 मार्च तक चलता है, यानी कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मालाबार इज ए नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये मालाबार एक्सरसाइज है कौन से देशों के बीच में होती हैं, तो ये एक मल्टी कंट्री एक्सरसाइज है, ये इंडिया जापान और यूएसए के बीच में होती हैं, और ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ इज रिटन बाई। तो ये बुक किसने लिखी है, ये बुक लिखी है शशि थरूर ने, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हुज फ्लैग इज नॉट ए स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो विश्व की एकमात्र देश है जिसका जो फ्लैग है वो ना तो रेक्टेंगुलर है या ना ही स्क्वायर है। तो जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है ये उसका फ्लैग है और वो कंट्री है नेपाल, तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तो ये विश्व का एकमात्र देश है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट रोल। तो जब हम प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं तब डेटा स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन इन द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। तो मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे एरिया नेटवर्क होते हैं, सभी को आपको याद रखना है, मैं कुछ आपको बता देता हूँ, जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क पेन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सभी आपको याद रखने हैं, इनकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए एग्जाम्पल ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट रिलीज होती हैं, और एंडोथर्मिक जिसमें हम हीट देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्जोथर्मिक के बारे में बताना है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब हम नेचुरल गैस को बर्न करेंगे तो उसमें हीट रिलीज होगी, और रेस्पिरेशन में भी हीट रिलीज होती है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, तो ये भी एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, यानी ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी हम कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, ये सभी के सभी हम यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर इक्वल इन केस ऑफ प्लेन मिरर। तो यहाँ पे बात आई है मिरर की, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा मिरर वो होता है एक तरफ से कोटिंग की होती है, तो यहाँ पे ये है नॉर्मल, ये कोई इंसिडेंट रे है आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है ये एक तरीके से एक तरफ से कोटिंग की हुई है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इंसिडेंट जो एंगल होता है आई, थीटा आई इज इक्वल्स टू थीटा आर, तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि कौन से एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मिरर की बात है तो रिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं, तो सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेटरोजीनियस मिक्सचर। तो फ्रेंड्स आपको पता है सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जबकि सस्पेंशन जो होता है ये हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई लिक्विड है, ये लिक्विड के पार्टिकल हैं, इसके अंदर यदि कोई और पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल जो मिक्स हो उसे हम बोलते हैं सस्पेंशन पार्टिकल, तो सस्पेंशन क्या हो गया, हेटरोजीनियस मिक्सचर हो गया। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब आर जनरली मेड अप ऑफ। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, सभी को पता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच फारेनहाइट एंड सेल्सियस डिग्री सेल्सियस स्केल आर इक्वल। तो आपको बताना है कि फारेनहाइट और सेल्सियस स्केल कहाँ इक्वल होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ये -40 डिग्री पे होते हैं। अब ये कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, तो सी जो डिग्री सेल्सियस होता है वो 0 से लेकर 100 होता है, तो सी -0 अपॉन 100 -0
इज इक्वल्स टू एफ माइनस 32 अपॉन 180 हो जाएगा, क्योंकि आप इसको 212 माइनस 32 करोगे तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कट करूँगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9। तो इक्वल की बात की गई है तो सी और एफ को इक्वल कर देते हैं। मान लो एक्स है ये, एक्स अपॉन 5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 32 अपॉन 9। यदि आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 40, जो कि ऑप्शन सेकंड में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिजीज़ इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो सभी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हड्डियों के अंदर, जॉइंट्स के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डज हीमोग्लोबिन हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो कौन सा है, किसके साथ में हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा थर्ड करेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिसेलुलर। तो युगलिना, अमीबा और पैरामीशियम, ये सभी जो है ये यूनिसेलुलर है, जबकि हाइड्रा ये यूनिसेलुलर नहीं है, ये एक मल्टीसेलुलर है। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो फ्रेंड्स, आप हमारी जो आई होती हैं उसके अंदर एक आइरिस होती है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये आइरिस क्या करती हैं, जब ज़्यादा लाइट आती हैं तो ये सिकुड़ जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, ताकि लिमिटेड अमाउंट की लाइट अंदर जा सके, और जब अंधेरा होता है तो ये थोड़ी सी फैल जाती हैं ताकि मैक्सिमम लाइट अंदर जा सके। तो लाइट को कंट्रोल कौन करती हैं, ये करती हैं आइरिस। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो आपको बताना है कि बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है। तो बैक्टीरिया से क्षय रोग होता है, यानी कि टीबी होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको बैक्टीरिया और वायरस से जितनी भी डिजीज़ होती है उनमें कन्फ्यूजन होता है याद रखने में, तो मैंने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है, तो वो आपको देखनी चाहिए। यहाँ पे आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज। जब पानी में बहुत ज़्यादा फ्लोराइड होता है तब क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि दांत खराब हो जाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, मोटलिंग ऑफ टीथ। फ्लोराइड जो है वो दांतों में जम जाता है। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल आर द 3 R टू सेव एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिसाइकल। तो फिर आपको पता होगा आजकल प्लास्टिक बैन हो रहा है, तो प्लास्टिक को क्या करना है, या तो रिड्यूस करना, यानी उसका कम यूज़ करना है, या फिर जितने भी हम यूज़ कर रहे हैं जैसे प्लास्टिक बोतल है, पॉलीथीन है, उसको हम रीयूज़ करें या फिर उसको रिसाइकल करें, तभी हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइन सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर इज कॉल्ड। तो एयर के अंदर सॉलिड पार्टिकल होते हैं या फिर लिक्विड के ड्रॉपलेट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैव इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा इकोसिस्टम है जिसमें जो पिरामिड बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। तो मास के हिसाब से बताना है आपको, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, मरीन इकोसिस्टम। तो फ्रेंड्स, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे जीव हैं, उनको कौन खाता है, छोटी मछलियाँ खाती हैं, तो उनका मास ज़्यादा होता है, इनसे इनका मास ज़्यादा होता है, और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं तो इनका मास ज़्यादा होता है, और इन बड़ी मछलियों को व्हेल मछली खाती हैं तो उसका मास और भी ज़्यादा होता है। तो ये जो पिरामिड बनता है ये इन्वर्टेड बनता है, यानी उल्टा बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मरीन इकोसिस्टम। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि अगला वीडियो जब भी मेरा आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।